stedet for Andakoa. ये पांचवी साइज क्या चुई है दोस्तों, अभी निकल रहे हैं और अभी 4:15 बज चुके हैं और अभी निकल रहे हैं हम फिशिंग करने के लिए। अभी हमें सवेरे का खेल पकड़ना है। अभी हम दो जने फिशिंग करने के लिए निकल रहे हैं, मैं और अहमद। तो बने रहे दोस्तों, आगे भी आपके लिए। तो आ चुके हैं स्पॉट के ऊपर। एकदम सवेरे के टाइम में फिशिंग का वक्त जो होता है, उस टाइम में हमें फिशिंग करना है सही तरीके से और सही रिजल्ट लेना है। और आगे दोस्तों जैसा जैसा खेल स्पीड पकड़ता जाएगा, मैं उस तरीके से आपको सही टीपे देता जाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा फिशिंग के अंदर। और इस तरीके अभी हम इस स्पॉट पर खेलेंगे दोस्तों, इस स्पॉट से फिशिंग स्टार्ट करेंगे और आगे आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है, किस तरीके की फिशिंग हो रही है। तो दोस्तों ये लुकाना का फ्रॉग चला रहा हूँ पत्ता लगाकर, और अभी फिशिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हम दो ही जने आए हैं, बाइक से अंदर घुसना पड़ता है इसलिए बाइक से आए हैं। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो बने रहे फिशिंग गोल्ड पर। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो बने रहे अंत तक। बिस्मिल्लाह हुई है, आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक बड़ा छोटा रखन नहीं दिया हुआ ना तूने, फिर बराबर मेंढ की। हाँ, कम लंबे मरा ले रही ऐसे ही, ऐसा डालना पड़ता। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये 1 किलो की साइज है और ये अभी पहला अटैक हुआ है अहमद को। आगे कोशिश जारी है दोस्तों, बने रहे अंत तक। डालो इसको, चलो। बहुत बड़ा था क्या छोटा जो? काम आ रहा था तो? दूसरी भी साइज कैच हुई है दोस्तों, ये देखते हैं क्या साइज लगी है। बता कितना बड़ा लगा। हाँ, अरे धड़का है रे तो। हाँ, छोड़ उसकी ढील, छोड़ना मशीन की। ज्यादा धागे पे रखना, कभी भी इंदू रात टूट डालता हो। ये दूसरी साइज दोस्तों कबरे की, किलो भरे का है। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा कबरा लगा है दोस्तों। पहला मरल है और दूसरा कबरा लगा है। और ये देखिए आप किस तरीके से गल लगे है। और ये अहमद को लगा है दूसरा भी। तो बने रहे दोस्तों, चलो कमती करो ले। अब लोगों में मारते रहता हाथ जरा, मैं बड़ों के चक्कर में घुस रहा नालों में।
बड़े बड़ा नग बोले तो धड़ करके देता। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हुआ है अटैक दोस्तों। काफी अच्छी साइज है, है मत है मत। मरा ले दोस्तों, ये देखिए चुमटा बता चप करके दिया ना मैंने भाई, यही खेलना पड़ रहा है एक जगह चिपक के। हाँ ते बड़ा ना गई जी, ते बड़े ना गई बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये तीसरी साइज लगी है मरल की और 1.5 किलो की साइज है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप कहा दिया हूँ इसके, और पत्ता बगैर पत्ते का फ्रॉक चला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ कचरा बहुत है, लकड़ी बहुत है, नहीं इसलिए मैं बगैर पत्ते का फ्रॉक चला रहा हूँ दोस्तों। और ये तीसरी साइज क्या चाहिए तो बने रहे दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों आज की वीडियो में इंशाल्लाह, क्योंकि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा साइज कैच करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे दोस्तों अंत तक, वही चीज देना पड़ता था अब इससे। देखिए दोस्तों कागल लगा ऐसे, बहुत ही अंदर दिया हूँ, नहीं करना, काफ़ी अच्छा लगा है गली। चलिए दोस्तों फिर से कोशिश करेंगे। मैंने तो बोला 2-4 किलो वाला कैच हो गया भाई,
ये चौथा नग लगा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये चौथा अटैक हुआ है और ये आधा किलो के ऊपर की साइज है दोस्तों। देखिए गल भी किस तरीके से लगे, काफी अच्छे गल लगे। तो बने रहे दोस्तों, मत पूरा सामान लपेट आप देख सकते हैं दोस्तों, अटैक हुआ है। ये पांचवी साइज कैच हुई है दोस्तों। ये भी साइज, ये लगभग 1.5 किलो के आसपास की साइज है दोस्तों। और फ्रॉग देख सकते हैं आप, किस तरीके से फ्रॉग लगा है ये देख सकते हैं आप।
ये पांचवी साइज क्या है। सवेरे से आए थे दोस्तों फिशिंग करने के लिए, लेकिन हमने 12 बजे तक की फिशिंग की है और 12 के बाद में आराम कर लिया है और 5 बजे के बाद में स्टार्ट किया है। अभी 5:15 बज रहे हैं तो 2-3 हाथ में दोस्तों ये नक कैच हुआ है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी साइज है ये भी। तो बने रहे दोस्तों अंत तक, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस अब वक्त हो चुका है निकलने का, सुबह आए थे हम फिशिंग करने के लिए, हमने 12 बजे तक की फिशिंग की है और 12 के बाद में 5 बजे तक के का इंतज़ार किया है, रिलैक्स किया है, आराम किया है, फिर उसके बाद में फिर खेल शुरू किया है आधा घंटे के लिए। तो फिर एक नक और भी कैच हुआ है दोस्तों, ऐसे मिलाकर पूरे 5 नक कैच हुए हैं और देख सकते हैं आप इस तरीके की साइज लगी है। ये देखिए आप साइज 1.5 किलो 1 किलो की साइज है दोस्तों। काफ़ी अच्छी साइज और ये नग जिंदा ही है दोस्तों, ये भी 1.5 किलो की साइज है। तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही।